हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कर्मी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में इस बार हर एक सब्जेक्ट में आप लोग 95% लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। मैं आप लोगों को जो पेपर आप लोगों को ये बता रहा हूँ 829 GD, ये आपके पेपर में 22 फरवरी को जाकर देख लेना, 100% पेपर आपके एग्जाम में छपेगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप करके आओगे और हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल लेकर आओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं 22 फरवरी को, उनके यहाँ वीडियो शेयर करो ताकि वो भी पढ़ के इस पेपर को सॉल्व करके वो 70 में 70 नंबर लेकर आए। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर आप लोगों का 70 नंबर का है और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय कितने रहेंगे, 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। बात करते हैं, कुछ नीचे निर्देश दिया गया है जो कि आपको पढ़ना है। पहला बोला है ये पॉइंट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर, जो पूरा का पूरा पेपर इस 15 मिनट में पढ़ लेना कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है, ये निर्देश में बताया गया है। इसके बाद बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ में तथा खंड ब में विभाजित है। तीसरा पॉइंट, प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओ एम आर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। मतलब खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कितने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इनका उत्तर आपको ओ एम आर शीट मिलेगा, उस पे आपको देना होगा, ठीक है। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से उस गोले को पूर्ण करना होगा, भरना होगा। इसके बाद है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है, मतलब कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 नंबर के पूछे जाएंगे आपके। इसके बाद पांचवा बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको कितना समय दिया है, 1 घंटा। अब आप चाहो तो 5 मिनट में ही करके आगे बढ़ सकते हो। और खंड ब जो कि 50-90 के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे उसको हल करने के लिए आपके पास समय कितना है, 2 घंटे। बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड अ, और खंड अ में सबसे पहले क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला देखो क्या बोला है यहाँ पे। पहला प्रश्न जो कि दिया है एकदम दिमाग में छप जाना है आप लोगों को, पूरा का पूरा आंसर करके आना है 70 में 70 नंबर। प्रश्न है कि रस मीमांसा के लेखक है, प्रश्न क्या है, रस मीमांसा के लेखक है। तो रस मीमांसा के लेखक सिंपल आप जानते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पहले वाले ऑप्शन को आप लोगों को रंग के आना है ओ एम आर शीट पे। दूसरा प्रश्न बोला है कि कृति कंकाल के लेखक है, तो कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें तीसरा प्रश्न कि शुक्ल युग की काल अवधि है, तो शुक्ल युग की काल अवधि 1919 से लेकर 1939 तक मानी जाती है, तो प्रश्न आपके दिमाग में एकदम छपा होगा, ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन। बात करें चौथा प्रश्न कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यास कौन है, भगवती चरण वर्मा जी हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चौथे का सी। बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पांचवा, मेरे प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न है चिंतामणि के रचयिता है, तो चिंतामणि के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि ललित ललाम के रचयिता है, तो ललित ललाम के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों मतिराम है, और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। सातवां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की समय अवधि है, तो आधुनिक काल की समय अवधि मेरे प्यारे बच्चों 1843 ईस्वी लेके वर्तमान तक अभी तक जो अवधि चलती आ रही है वो सब आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है। आठवां प्रश्न है कि बिहारी किस युग के कवि हैं, तो बिहारी जो है मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल युग के कवि हैं, और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो केशवदास काव्य धारा के कवि हैं, तो केशवदास काव्य धारा के कवि है, रीतिबद्ध कवि धारा के कवि है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो चारों ऑप्शन में से शुक्लोत्तर के लेखक जो है वो है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी, और ए वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11, देखो प्रश्न नंबर 11 क्या है कि हसी हसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, कह रहा कि निम्नलिखित में रस है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो हास्य रस का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पीपर पीपर पात सरिस मंडोला,
कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, उपमा अलंकार है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। 13वां प्रश्न देखो, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है, दूसरे और यहाँ पे चौथे चरण में कितनी मात्रा है मेरे प्यारे बच्चों, 13 मात्रा है, गिन लेना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य भेद कीजिए, मतलब कैसा वाक्य है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, तो बिल्कुल सरल वाक्य है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आगे देखो प्रश्न नंबर 15, वह खड़ा नहीं हो सकता, इस सेंटेंस को हमें भाववाचक रूप में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो भाववाचक रूप में अगर हम बात करें कि वह खड़ा नहीं हो सकता तो हो जाएगा कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, भाववाचक रूप में यह होगा सेंटेंस डी वाला, कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। बात करें प्रश्न नंबर 16, यह बालक बहुत मेधावी है, यह बालक जो है बहुत ही ज्यादा मेधावी है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यह के नीचे अंडरलाइन किया होगा आपको, यह के नीचे पूछेगा कि यह क्या है, तो यह जो है मेरे प्यारे बच्चों सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुलिंग और विशेष बालक। देखिए अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुचर में क्या होगा, अनु होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ेंगे 18वां प्रश्न, गंगा यमुना का समास विग्रह, देखो गंगा यमुना का समास विग्रह, मैंने कहा योजक चिन्ह आ जाए तो योजक चिन्ह जब हटाते हैं तो और का चिन्ह लगाते हैं, क्या लगाते हैं मतलब और जोड़ते हैं, तो गंगा और यमुना, बात खत्म, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, देखो सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, तो सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, 20वां प्रश्न है कि तद, तद जो है पुल्लिंग शब्द है, उसका अगर मैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो तद का अगर मैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन देखूं तो तस्य होता है, क्या होता है तस्य, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड अ का हमने बिल्कुल कंप्लीट करा दिया आप लोगों को, अब हम देखेंगे यहाँ पे खंड ब, और खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे जिसे आप लोगों को कॉपी पे करना होगा। ठीक है, जिसमें से प्रश्न नंबर 21 बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 6 नंबर ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में 2 देता है, क देता है और एक अथवा देकर यहाँ पे ख देता है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन मैं आंसर आपको दोनों बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा वो एग्जाम में करके चले आना। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क वाला देखो क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में है और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और उनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रहेगा। इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और यह प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का। चलो देखते हैं इसका गद्यांश का संदर्भ, ठीक है अ वाला, इसका उत्तर नोट करो यहाँ पे 21 का अ, देखो संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये आपका संदर्भ है, 2 नंबर यहाँ से आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके नीचे दूसरा प्रश्न बोला है ब वाला कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, इसका हमें व्याख्या करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे व्याख्या करेंगे इसका, तो ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे या फिर लिखोगे इसमें कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है और इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। यह जो है उस रेखांकित अंश की क्या है व्याख्या हमने कर दिया, नोट कर लो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सवाला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, यह भी प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है, और यह भी प्रश्न 2 नंबर का था, तभी तो 6 नंबर मिलेगा 2 नंबर के हिसाब से। चलिए इसका देखते हैं सवाला का उत्तर, तो सवाल है कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है, किसके कारण, जल के कारण ही आज कायम है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो 21 का क वाला हम लोगों को पूरा समझ में आ गया, अगर ये करना चाहते हो तो अच्छी बात है कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और दिया है अथवा करके। देखिए यह क्या है खवाला,
कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर उभरी मूर्तें बिहस उठी। भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यह कर लेना, इसमें भी तीन प्रश्न है। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ। तो देखो अथवा, यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है अथवा, अथवा में मैंने और डाला है संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन? श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। मतलब ये जो गद्यांश लिया गया है अजंता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी है। यही आपको संदर्भ में लिखना होता है और यहां से आपको 2 नंबर एग्जामिनर जो है पूरा का पूरा दे देगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का। देखिए कहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब इतना का हमें क्या करना है? व्याख्या करना है। तो देखो व्याख्या किस कदर करोगे? हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो। बस यही है रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर यहां से आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद एक नीचे प्रश्न और पूछा है सवाल कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ लिखोगे सवाल कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस इतना लिखोगे तो 2 नंबर इसमें भी आपको दे दिए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 21 का दोनों हमने कर दिया, क वाला भी कर दिया, ख वाला भी कर दिया। अब आपको जो इसमें आसान लगा हो वही एग्जाम में करके चले आना। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 22 में भी 2 ठे दिया होता है कि अब ये पद्यांश दे दिया, अभी तक तो हमने गद्यांश किया, अब बोला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और ये भी कितने नंबर का? सेम उत्तर ही मार्क्स का होता है, 6 नंबर का। इसमें भी 2 ठे देता है, एक क देता है एक ख, दोनों में से कोई करना होता है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को। क वाला क्या है मेरे प्यार बच्चों? कि निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कई समझाई, सौदे बुझती सांच नहासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण बेस है कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनी कियो आपनो जोरे करगो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो सुर सबे मति नासी। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों, यहां से लेकर यहां तक पद्यांश दिया गया है और इसके नीचे प्रश्न पूछा गया है। पहला कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत संदर्भ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए ये हो जाएगा। और गोपिया भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती है? 2 नंबर यहां से मिल जाएगा, टोटल 6 नंबर आपको मिल जाता है। तो चलो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का पहला वाला, ठीक है। देखो तो यहाँ पे 22वां का उत्तर, पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। किस पद शीर्षक से अवतरित है? इसमें प्रसंग भी लिखना होता है, तो प्रसंग हेडिंग डाल के लिखोगे कि इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का क्या किया है? मंडन किया हुआ है। अब इसका हम करेंगे मेरे प्यारों जो व्याख्या। चलो व्याख्या लिखो कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश को रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण के पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है और उसकी वेशभूषा कैसी है, उसकी किस रस में क्या है रुचि है। गोपियां उद्धव की चेतावनी देती हुई कहती हैं
कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना है। यदि सही बात बताने में जरा भी छलकपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए। उनका सारा ज्ञान जो था वह गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया, नष्ट हो गया। बस हो गया, ये हो गया व्याख्या। यहां से 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे पूरा टोटल। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों प्रश्न पूछा था क्या, एक प्रश्न और पूछा था ना कि गोपियां ब्राह्मण की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। तो उसका उत्तर दूसरा यहां लिखोगे कि गोपियां ब्राह्मण की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ तुम्हारा वो निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है, और उस निर्गुण की पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी भार्या और दासियां कौन कौन है, उसका रंग कैसा, उसकी वेशभूषा कैसी, और उसकी किस रस में रुचि है। इन्होंने वही तो पूछा था ना उन्होंने। बस हो गया यहां से। चलिए मेरे प्यार बच्चों ये आप लोगों का क वाला क्लियर हो गया। अगर नहीं करना चाहते हो तो ख वाला कर लेना, अगर वो नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपको दिया है ना एक ऑप्शन ख वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वत रेखा को वासी जो जाती है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यहां से लेकर मेरे प्यारों जो यहां तक है। इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, मतलब 2 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग दोनों का उत्तर देखेंगे मेरे प्यार बच्चों। पहले हम लोग प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से उत्तरित है, और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह किसे स्वप्न से ली गई है, काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। प्रसंग की अगर हम बात करें, इसमें प्रसंग लिखोगे कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। अब इसका हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों। व्याख्या नोट करो कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता, वह कष्ट उठाता हुआ भी अपना मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहां सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है, और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण निछावर कर देता है। ठीक है, यह है उसका व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना। इसके नीचे एक प्रश्न और बोला था कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है, तो उसका उत्तर यहाँ पे लिख लो कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22 भी, यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। यह 5 नंबर का है। अब संस्कृत का गद्यांश दे दिया, इसमें भी 2 ठे देता है, एक तो क वाला अथवा करके पीछे ख वाला दिया है, तो क वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो दोनों ही बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे सिंपल लगे उसे आप करके आना एग्जाम में, क वाला ईएम नगरी विद्यात्मक। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। चलिए इसका उत्तर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 का। देखो क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। वही प्रसंग की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, वाराणसी के ऐतिहासिकता के बारे में और वहां की अवस्थिति के विषय में बताया गया है इस पूरे के पूरे गद्यांश में। आप देखिए इसका हम क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। अनुवाद क्या लिखेंगे कि यह नगरी विविध धर्मों को मिलन का स्थान रही है, महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जो है प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं।
या उसका व्याख्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस कंप्लीट हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया हुआ है, वो ऑप्शन ये है ख वाला, ऐसा कर्म विरणारम संस्कृति वाला, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो ये वाला कर लेना। चलो इसका हम संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, तो देखो उसका उत्तर लिखो। देखो यहाँ अथवा वाला लिखा, उन्होंने अथवा वाला पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे इसका। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उत्तरित है, मतलब भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है यह संस्कृत का गद्यांश। इसके बाद अगर हम बात करें प्रसंग की, तो लिखेंगे कि इस गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्म वीरों की संस्कृति बताया गया है। अब करेंगे हम लोग इसका अनुवाद। अनुवाद में होगा कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों कर्म वीरों की संस्कृति है, यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे का श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस यह है आप लोगों का पूरा उस गद्यांश का हिंदी में अनुवाद हमने कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न स्टार्ट होगा, प्रश्न नंबर 24। अब मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या किया, संस्कृत का गद्यांश, अब क्या गया, संस्कृत का पद्यांश, सेम उतना ही नंबर का, 5 नंबर का। इसमें भी देखो दो दिया है, क दिया है अथवा करके ख दिया है, दोनों में से आपका मन जो भी करो। तो मैं पहले दोनों को बताऊंगा, तो पहले क वाला बताता हूँ, यहां से लेके यहां तक नोट कर लो, ये क वाला। इसका उत्तर देखते हैं 24 का क। देखो 24 का क मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है, 24 का क। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर वही हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका अनुवाद करेंगे, इसका क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। चलो नोट करो, अनुवाद में इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है, कि भूमि से महान क्या है और आकाश से ऊंचा कौन है और वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल छिड़ बनाने वाली क्या है। तो वही युधिष्ठिर जो है उत्तर देते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा जो है पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली क्या है, चिंता है। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं करना चाहते हो तो यह ख वाला कर लेना, यहां से लेके यहां तक दोनों में से कोई एक ही तो करना है, नहीं करना चाहोगे तो ख वाला कर लेना। मैं ख का भी उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ख वाला, ख का सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालोगे संदर्भ, इसमें लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। वही अगर हम प्रसंग की बात करें तो इस श्लोकों में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है, वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अब इसका हम करेंगे अनुवाद। अनुवाद में लिखेंगे कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है, तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 25वां। देखो क्वेश्चन 25वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का। ये हो गया खंड काव्य, खंड काव्य जिला वाइज आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो जाके देख लेना, क्वेश्चन बैंक में या किताब में देख लेना कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, तो जिस जिले में आप हो उस जिले का ही खंड काव्य लिखना होता है, ठीक है। खंड काव्य तो बहुत है, जैसे मुक्ति दूत है आपका, ज्योति जवाहर है, आगे बात करें तो मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, जैव सुभाष है, इसके बाद मातृभूमि है, इसके बाद कर्ण है, इसके बाद करमवीर है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26वां, वहां अपना जिला वाइज देख लेना कौन सा खंड काव्य आपको जिले में आता है, वही याद करके जाना, वही लिख के आना। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 की दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब 3 जीवन परिचय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। मैं आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता देता हूँ बहुत आसान तरीके में, ताकि आप लोगों का 5 नंबर जो है बिल्कुल अभी आप क्लियर कर लो।
देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हेडिंग डालिएगा। जन्म की अगर हम बात करें तो 1884 में जन्म हुआ था, मृत्यु की अगर हम बात करें 1941 में मृत्यु हुआ था। जीवन परिचय यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, लिखना चालू कीजिएगा, बस एक पेज में आपका खत्म है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था और माता का नाम की अगर हम बात करें विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी जो रचनाएं हैं प्रकाशित होने लगी और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बनी और नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बताइए इसमें क्या याद करने वाली जरूरत है। एक पेज में हमने जीवन परिचय लिख दिया, 5 नंबर आपको मिल जाएगा, बस यही याद कर लेना आप लोग। चलो क्लियर हो गया 26 का क। अब 26 का ख। 26 का ख है, दिए गए कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करो, ये भी 5 नंबर का है। अब कवि का जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, इन तीनों लोगों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना और 5 नंबर मिलेगा। मैं आपको पहला वाला बता देता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखो आप हेडिंग डालोगे गोस्वामी तुलसीदास, जन्म लिखोगे 1532, मृत्यु लिखोगे 1632, इसके बाद लिखोगे जीवन परिचय, फिर लिखना प्रारंभ करोगे। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्मा राम दुबे, और माता का नाम होलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा, क्या कहा, कि लाज न आई आपको, दौरे आए हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, कौन, रामचरितमानस हुआ, विनय पत्रिका हुआ, कवितावली हुआ, गीतावली हुआ, दुहावली। बस यहां नोट कर लो, यहां से आप लोगों को 5 नंबर यहां से बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 27 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको श्लोक बताता हूँ, दो श्लोक अगर आपको याद है काम बन जाएगा। पहला श्लोक यह है, दूसरा श्लोक यह है। पहला है कि बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। ये आपका पहला यहाँ पे पोयम हो गया। और दूसरा यहाँ पे पोयम यह है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बात खत्म। 2 ठे याद है तो यहाँ से 2 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को 28वां प्रश्न। 28वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर के लिए। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति, तीसरा चंद्रशेखर का आसित, मतलब दूसरा है चंद्रशेखर का आसित, तीसरा है भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। 3 यहाँ हो गया और 1 पीछे आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं पहले इन तीनों का आंसर बता देता हूँ, इन तीनों का लगातार आंसर देख लो। पहले का हो जाएगा वाराणसी नगरी गाड्य गायम कुलम स्थित अस्थि, दूसरे का चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देश भक्तासित, तीसरा का विश्व से त्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्थि। दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से आप लोगों को, तीनों को नोट कर लो। 1 आपका पीछे उसको दिखा देता हूँ, 1 आपका है वीर केन पूजते, बहुत इंपॉर्टेंट है वीर केन पूजते, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर वीर पूजते, क्या हो जाएगा वीर वीरेन पूजते हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 29 आइए, प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पे 4 दिया है, भारत में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, वृक्षारोपण, चौथा विज्ञान के चमत्कार। मैं विज्ञान के चमत्कार पे आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में करके चले आना, 7 नंबर आप लोगों को बिल्कुल दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलो नोट करो, हेडिंग डालोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान वरदान या अभिशाप या चमत्कार, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना, लिखोगे कि आज का युग विज्ञान का युग है, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।
प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान ने एक ओर मनुष्य जहां अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश कर कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, वहीं दूसरी ओर यह समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। बस यह प्रस्तावना में लिखना है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी विज्ञान वरदान के रूप में। इसमें आप लिखोगे कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार ने विज्ञान जहां सुई का आविष्कार किया वहीं तलवार का भी। ऐसे में यदि हम विज्ञान के लाभों को देखें तो कुछ प्रमुख लाभ बता रहे हैं। कौन कौन? तो पहला लाभ डालना मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान, लिखना कि मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान जो है सचमुच वरदान सिद्ध हुई है। इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों का उपलब्ध कराया है और इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न चैनलों से हम मनचाहे कार्यक्रम को देखकर पूरा मनोरंजन कर सकते हैं। चलचित्र, वीडियो गेम, फोटो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, VRC, VCR, वीडियो कैसेट आदि विज्ञान की देन है जो मनोरंजन के क्या है, साधन है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान। इसमें लिखना कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा हमारे जीवन को बड़ा सुखमय बनाने का अवसर प्रदान किए हैं। एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म रोगों को देखकर बड़ी आसानी से उनको ठीक किया जाता है। आज के विज्ञान ने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग, टीबी, टेटनस आदि प्राण घातक असाध्य रोगों को भी साध्य बनाकर हमारे जीवन को पूर्णतः स्वस्थ रखने में क्या किया है, योगदान प्रदान किया है। अगली हेडिंग आप डालोगे यातायात के क्षेत्र में विज्ञान और लिखोगे इसमें कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं। ट्रक, मालगाड़ी, टेम्पो, हवाई जहाज प्रमुख मालवाहक साधन है। इसके बाद चौथा है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान। लिखोगे कि उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनों सभी वस्तुओं का निर्माण बहुत तीव्र गति से कर रही है। लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगों का चालन इन क्रिया मतलब इन विशालकाय मशीनों के बल पर ही क्या है, संभव हुआ है। अगली हेडिंग रहेगी विज्ञान के अभिशाप के रूप में। लिखोगे जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानवीय श्रम की जगह यंत्रों ने ली है, जिससे समाज में बेकरारी की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, वह विज्ञान की ताकत का भी प्रभाव था कि हिरोशिमा और नागासाकी का नामो निशान तक मिट गया। जहां हुए परमाणु बम के हमले से सब खत्म हो गया। इतना ही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि यदि मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुंच जाए तो वह घातक सिद्ध हो सकता है। लास्ट हेडिंग आप डालोगे उपसंहार। उपसंहार में लिखोगे कि आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। भविष्य में भी यह वरदान सिद्ध हो रहा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारते चले, जहां हम इसके विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे तो विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा और अभिशाप क्या होगा, सिद्ध होगा। खत्म। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 7 नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30वां, जो कि लास्ट प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। अगर नहीं करना चाहते हो तो बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र, शिकायती पत्र लिखे। 4 नंबर मैं यही वाला बता देता हूँ, एग्जाम में करके चले आना। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आप डालोगे सेवा में बिजली विभाग मेरठ। ठीक है, फिर डालोगे विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति मतलब डेली से डेली टाइम टू टाइम बिजली नहीं आती उसके लिए। ठीक है, लाइट नहीं आती है। लिखोगे मान्यवर,
हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान जो है बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी अपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति किया जा सकता है शीघ्र कार्यवाही की आशा में तो तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों शीघ्र कार्यवाही की आशा में यहाँ पे डेट डालना और यहाँ पे गांव के जितने लोग होंगे, जैसे हम हैं आपके जैन नगर निवासी, जितने 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितना लोग का सिग्नेचर करवाना चाहते हो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करवा लेना। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया इस पेपर का, ठीक है, 829 GD पेपर का। मेरे प्यारे बच्चों 22 फरवरी को 100% पेपर आपको देखने को मिलेगा, बस पूरा का पूरा रट के चले जाना 22 फरवरी को। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।